नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना हरियाणा न्यूज देख रहे आप सभी का स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना, आज आठवें दिन भी जारी। धरना स्थल पर पहुंचे विधायक बलराज कुंडू ने अनिल विज पर जमकर निकाली भड़ास। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन अध्यादेशों को लेकर विरोध जारी। गुरनाम सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने से किया इनकार। करनाल में बरखास्त पीटीआई टीचर्स की रैली। रैली में पूरे हरियाणा के इकट्ठे हुए टीचर्स का आक्रोश, नियमित मांगों को लेकर प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों का धरना आज आठवें दिन भी लघु सचिवालय में जारी रहा है। आज धरना स्थल पर महम के विधायक बलराज कुंडू पहुंचे। प्रदर्शनकारी किसानों के साथ उन्होंने लघु सचिवालय में सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलता उनका धरना निरंतर जारी रहेगा। मीडिया से बातचीत करते हुए बलराज कुंडू ने गृह मंत्री व भाजपा नेताओं के लाठीचार्ज को लेकर दिए जा रहे विरोध भाषी बयानों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल विज को इस उम्र में कंगना से इश्क हो गया है, यही कारण है कि उन्हें किसानों व दर्द व उन पर बरसाई गई लाठियां नजर नहीं आ रही है। केंद्र सरकार के कृषि से जुड़े तीन अध्यादेशों को लेकर विरोध जारी है। आज जिला मुख्यालयों पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात से मना कर दिया। वह आज दिल्ली पहुंचे लेकिन केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने नहीं गए। गुरनाम सिंह ने कहा कि जब तक तीनों कृषि विधेयक वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक वह कृषि मंत्री से मुलाकात नहीं करेंगे। करनाल में बर्खास्त पीटीआई टीचर्स की रैली हुई। रैली में पूरे हरियाणा से लोग इकट्ठा हुए। बर्खास्त पीटीआई टीचर्स रैली में शामिल हुए, जिनमें बर्खास्त पीटीआई टीचर्स को अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ का भी समर्थन मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि रैली के बाद बातचीत के लिए सरकार के नुमाइंदे का इंतजार करेंगे। अगर कोई नुमाइंदा नहीं आता है तो रैली के बाद पैदल मार्च करेंगे। पैदल मार्च करते हुए करनाल सीएम आवास पहुंचेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन शांति बनाए रखने के लिए सौंपेंगे। धर्मेंद्र प्रधान संयोजक ने बताया कि काफी समय से हम यह सेवा बाली को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार ने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमने 10 साल तक हरियाणा सरकार ने अपनी सेवाएं दी हैं। आज जो हम यहाँ करनाल के अंदर इकट्ठे हुए हैं, हमारी मांग है कि ये सरकार हमें पुनः बहाली करे और जो 23 तारीख का जो पेपर हुआ था उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल करके जिन्होंने पेपर आउट किया था उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए और हमारी नौकरी बहाल की जाए। आज हम करनाल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के होम जिले में यहाँ पहुँचे हैं और उनसे अपील करते हैं हमारे बीच में आए या उनका कोई डेलीगेट आए या मंत्री आए और ये बताए आपकी समस्या हमारी समस्या सुने और वहाँ ये आएगा तो पता चलेगा कौन आता है कैसे आता है। उदय परमात सेवा सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत शर्मा ने किसानों पर पीपली में हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि सरकार ने किसानों को रोकने का प्रयास किया, वह निंदनीय है क्योंकि किसान अपनी बात रखने के लिए वहां इकट्ठे हुए थे। सरकार को चाहिए कि वह MSP कायम रखे और अध्यादेश में लिखित में सुनिश्चित करे कि MSP को खत्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों पर दायर मुकदमों को वापस लेना चाहिए। केक तो MSP नहीं रहेगा, MSP हट जाएगा और मंडीकरण अगर टूटेगा तो आड़ती के बिना किसान का गुजारा नहीं है। अगर MSP टूट गया तो व्यापारी किसान की फसल का मनमानी कीमत लगाएगा। सरकार कह रही है कि हम MSP नहीं तोड़ेंगे लेकिन केवल और केवल मौखिक तौर पर सरकार बात कह रही है। अगर सरकार अध्यादेश में एक लाइन लिख देती है कि हाँ हम MSP नहीं तोड़ेंगे तो किसान सेटिस्फाइड है, किसान को कोई समस्या नहीं है इससे और यहाँ का अन्नदाता पूरे देश का पालन पोषण करता है। लेकिन जब हमारे प्रदेश का अन्नदाता पिपली अपनी रैली में जाने के लिए किसान इकट्ठा हो रहे थे अध्यादेशों के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन सरकार ने उसे रोकने के लिए तरह तरह की रुकावटें पैदा की, हर जगह नाकेबंदी करी और
जब किसान ने वहां पे जाने का प्रयास किया तो उसका बदले में किसानों के ऊपर संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो लाठी चार्ज बड़ा ही एक निंदनीय कार्य है। आशाबाद में HSEB वर्कर्स यूनियन ने कार्यकारी अभियंता कार्यालय में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली विभाग में ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने की प्रक्रिया प्रबंधन का विरोध किया। इस संबंध में बिजली कर्मचारियों ने हरियाणा महासंघ के वरिष्ठ उप प्रधान बाल कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकारी अभियंता को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू नहीं होने दी जाएगी, क्योंकि अगर वह पॉलिसी लागू की जाती है तो विभाग में हासव अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी और कर्मचारियों को परेशानी के साथ साथ जन माल का नुकसान भी हो सकता है। बाल कुमार शर्मा ने कहा कि अगर सरकार ने इस पॉलिसी के निर्णय को वापस नहीं लिया तो वर्कर यूनियन सड़कों पर उतरने को तैयार होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की अपनी होगी। आज का ये 9 से 11 गेट मीटिंग का प्रोग्राम, जो कि सरकार ने पिछले दौरान ऑनलाइन ट्रांसफर के एक आदेश जारी किया है, हमने मैनेजमेंट को ये भी कहा भी हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, अगर टेक्निकल डिपार्टमेंट दूसरे कहीं क्षेत्र में जाएगा तो आजकल डबल सप्लाई है, कहीं ट्रिपल सप्लाई है, एक्सीडेंट रेशो बढ़ेगी और इस ट्रांसफर पॉलिसी को कैंसिल किया जाए। फरीदाबाद से गुजरने वाली गुरुग्राम और आगरा नहर में बाईपास बडोली पुल से 2 सगी बहनों ने छलांग लगा दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम और दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा तथा कथित नहर में कूदी दोनों बहनों को खोजने में जुट गए। अभी तक इस घटना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस कर्मियों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली है कि राजस्थान के रहने वाले एक परिवार की 2 बहनों में झगड़ा हुआ था और दोनों ने नहर में छलांग लगा दी, मगर आसपास पूछने पर किसी ने यह पुष्टि नहीं की कि दोनों बहनों को कूदते हुए किसने देखा गया, मगर फिर भी शक के आधार पर दोनों युवतियों की नहर में जांच की जा रही है। वहीं पानीपत जिले में यमुना नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 6 लोग डूब गए, जिनमें से 3 लोगों के शव पुलिस ने बरामद कर लिए। अब तक 3 लोगों के शव नहीं मिल पा रहे हैं और गोताखोर उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। इस घटना के बाद जलमाना गांव के साथ करहंस और चंदोली में हाहाकार मच गई। सोनीपत में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां कलयुगी मां ने तांत्रिक से आतो अपनी मासूम बेटी का दुष्कर्म करवाया। पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर तांत्रिक और बच्ची की मां के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा प्रदेश गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष आचार्य आजाद आर्य ने आज इंद्री में थाना प्रभारी सतपाल सिंह को सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने व गोरक्षा के लिए सहयोग करने के लिए सम्मानित किया। थाना परिसर में पहुंचने पर आचार्य आजाद आर्य का फूल बुके देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर काफी संख्या में गोरक्षा दल के सदस्य मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान आचार्य आजाद आर्य ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में गौ चरान के लिए 72,000 एकड़ भूमि छोड़ी गई थी, लेकिन ग्राम पंचायतों ने इस जमीन को आगे पट्टे पर दे दिया, जिस कारण गायों के चरने के लिए कोई जगह नहीं बची और ये सड़कों पर बेसहारा धक्के खा रही है। गोरक्षा दल ने प्रदेश के पशुपालन मंत्री से इस जमीन को खाली करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो पशुपालक किसान गायों को दूध खत्म होने के बाद उन्हें सड़कों पर बेसहारा छोड़ता है, उसके लिए सजा का प्रावधान होना चाहिए तथा उस पर 11,000 रुपये आर्थिक जुर्माना भी लगाना चाहिए। आज जो है इंद्री में हम पुलिस स्टेशन में आए हैं और यहाँ एक ऐसे अधिकारी हैं जिनको मैं पिछले कई वर्षों से जानता हूँ, सतपाल जी जो इंचार्ज हैं यहाँ के। तो लंबे समय से ये गौ माता की, बेजुबान की, ऐसा ही बच्चों की सेवा करते हैं। तो गोरक्षा दल हरियाणा ने मन बनाया था कि ऐसे अधिकारी को सम्मानित किया जाए, क्योंकि खाकी में होते हुए भी वो गायों के लिए, ऐसा है बच्चों के लिए अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ बचा करके जरूर दान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को पूरे हरियाणा में सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज इंद्री के रेस्ट हाउस में आंखों की जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर चश्मों का वितरण किया और कार्यकर्ताओं को सप्ताह में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने बताया कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसके चलते पूरे प्रदेश में कई सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
इस मौके पर इंद्री के विधायक राजकुमार कश्यप विशेष रूप से मौजूद रहे। राणा ने बताया कि 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती एवं 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। करनाल में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें करनाल में बनने वाले प्रोडक्ट प्रदर्शित कर लोगों को स्वदेशी के प्रति जागरूक किया जाएगा। आज से सेवा सप्ताह शुरू है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर का है। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 14 सितंबर से लेके और 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज यहाँ इंद्री विधानसभा में एक आई टेस्ट कैंप का आयोजन किया गया है और हमारे माननीय विधायक आदरणीय श्री राम कुमार जी की देखरेख में ये कैंप हो रहा है और यहाँ पे जितने भी आज हमारे आई चेकअप कैंप के जो मरीज आएंगे उनको चश्मे भी मुफ्त में बांटे जाएंगे और उनकी आंखें भी टेस्ट की जाएंगी। इसके साथ ही आप मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद।